जय हिंद। पुनः आपका रत्नों का स्वागत और सभी देखने और सुनने और समझने वाले वक्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका साथी देशद्रोही। आज के वीडियो में आपसे बात एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय के एडमिशन को लेकर, जिसकी एडमिशन की डेट आगे बढ़ा दी गई है, अर्थात एक्सटेंड कर दी गई है, उसी के विषय में ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए। यदि आप इस विश्वविद्यालय में और इस विश्वविद्यालय के इन पाठ्यक्रमों में जो मैं आपको अभी बताऊंगा कुछ ही सेकंड के बाद, उसमें यदि हैं इंटरेस्टेड और लेना चाहते हैं एडमिशन, तो अभी उसकी एडमिशन की विंडो ओपन हो चुकी है कुछ कोर्सेज के लिए। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो में दी गई सूचनाओं पर कुछ सवाल टीका टिप्पणी हो तो ज़रूर से ज़रूर करें, और जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसी वीडियो के संदर्भ में यदि क्वेश्चन करेंगे तो मुझे जवाब देने में भी आसानी होगी। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत का, और कहें कि हिंदुस्तान के टॉप 10 विश्वविद्यालय में इसका नाम आता है, और ये संस्थान है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अर्थात जेएनयू में एडमिशन के लिए विंडो को ओपन कर दिया गया है, पुनः ओपन कर दिया गया है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ हैं। और क्या है वे कंडीशन, वह भी आपको बताऊँगा। जेएनयू का फॉर्म भरना कैसे है, क्या उसके नॉर्म्स एंड कंडीशन है। जेएनयू एडमिशन अलर्ट का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, उसको आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं यदि खोजने में दिक्कत हो तो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जेएनयू के एडमिशन को लेकर भी एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं जो विंडो अभी ओपन हुआ है और प्रवेश परीक्षाओं के लिए आप यदि आवेदन करना चाहते हैं तो बेशक करिए। विंडो है ओपन हो चुकी है 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच में, 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच में आप कर सकते हैं अप्लाई, इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन मोड पर होगा। 3 कोर्सेज में फॉर्म निकला है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। 3 कोर्सेज हैं, पहला है एमफिल और पीएचडी का, एमफिल और पीएचडी का, लेकिन इसकी कंडीशन है या कंडीशन वह बताऊँगा। दूसरा है डिप्लोमा कोर्सेज, और तीसरा है इसमें एमबीए, अगला है इसमें एमबीए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, डिप्लोमा ऑफ प्रोफेंसी कोर्स का नाम है, डिप्लोमा एंड प्रोफेंसी, एक ये है, एक एमबीए है, एमफिल अंडर जेआरएफ कैटेगरी और पीएचडी अंडर जेआरएफ कैटेगरी। इस बात को ध्यान से सुनिए कि एमफिल और पीएचडी दोनों ही के लिए अलग अलग फॉर्म है, और दोनों के लिए कैटेगरी वर्क के लिए, यानी कि जिनका जेआरएफ है, जेआरएफ हो चुका है, उसका सर्टिफिकेट है, वही स्टूडेंट अप्लाई करें एमफिल और पीएचडी के लिए जेएनयू में, जो विंडो अभी ओपन हुई है, इसकी अंतिम तिथि है 21 सितंबर 2020। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जिनका भी एमफिल और पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट, उनका जेआरएफ होना ज़रूरी है। यदि जेआरएफ नहीं है, यदि नेट है, तो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप एमफिल पीएचडी में, और यदि आपका एमफिल कंप्लीट है या एमफिल परस्यूइंग में है तो भी आप पीएचडी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना ही नेट होने पर। यदि आपका जेआरएफ है तो एमए के बाद डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई भी कर सकते हैं और डायरेक्ट एमफिल में भी अप्लाई कर सकते, लेकिन जेआरएफ होना ज़रूरी है। एमफिल पीएचडी के लिए जो फॉर्म निकला है, एमबीए के लिए फॉर्म निकला है, और डिप्लोमा के लिए फॉर्म निकला है। और फॉर्म भरने के बाद यदि आपको लगता है फॉर्म में कोई बदलाव करना है, कोई करेक्शन करना है, कुछ गलती हो गई है, तो उसकी करेक्शन की डेट भी है, वह है, जैसे कि अंतिम डेट 21 सितंबर है, तो करेक्शन की डेट है 23, 24 और 25 सितंबर। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सितंबर के लास्ट वीक में इसकी परीक्षाएं होंगी जेएनयू की, क्योंकि एनटीए ने जो 20 अगस्त को नोटिफिकेशन दिया था, जो जो प्रवेश परीक्षाएँ ले रहा है उसमें जेएनयू का जिक्र नहीं था, और बहुत से मेरे व्यूअर्स ने ये सवाल किया कि एनटीए बहुत सी परीक्षाएं ले रहा है लेकिन उसमें जेएनयू का डेट नहीं आया है। वह शायद इसीलिए सोच रखा था, इसीलिए पेंडिंग भी कर रखा था, क्योंकि इस कंडीशंस के लिए कुछ सीटें खाली थी, एप्लीकेशन नहीं आए थे, उसको भरने के लिए ही एनटीए ने अपने उस 20 अगस्त वाले शेड्यूल में उस जेएनयू की डेट को नहीं दिया था। इस बात का ध्यान रखिए, अब कर दीजिए आवेदन यदि आप नहीं कर पाए थे आवेदन किन्हीं कारणों से एमफिल और पीएचडी में, और एमबीए और डिप्लोमा प्रोफेसी कोर्स में, तो जल्द से जल्द करें आवेदन। कैसे करना है आवेदन, क्या है कंडीशन, उसके लिए अलग से जो वीडियो बनाया था उसको ज़रूर देखें। इस वीडियो में दी गई सूचनाओं को शेयर करें, कोई टीका टिप्पणी सवाल हो वह भी करें, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का रखें ख्याल, और साथ ही साथ सभी देखने सुनने समझने वालों से एक छोटी सी अपील, केवल
लाइक और शेयर तक अपने प्रतिरोध को दर्ज ना करें। लाइक और शेयर से ऊपर उठकर अपने प्रतिरोध को और अपने समर्थन को दर्ज करें, यही आपका कर्तव्य है और यही नागरिकता का बोध है। लेकिन इस देश की नागरिकता खतरे में है, उसके ऊपर आज या कल करूंगा एक फेसबुक लाइव, उसको भी देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सवाल कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम।